morning dear students, most welcome to the online classes. In this video for 8th class in English grammar, I am teaching you direct and indirect. First rule, changing in verbs and other changes I have taught you. Today I will teach you changing in pronouns. एक formula ऐसा होता है, सनपन बन होती है, जानते हो? इसका बन होता है, S मिलेगा, बन में first person और reported speak, S में subject. टू मी सेकेंड पर्सन रिपोर्ट ऑब्जेक्ट अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज तो ऐसा क्या होता है मी सब्जेक्ट और किसका रिपोर्टिंग स्पीच का ओके और फर्स्ट मिस होते हैं फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग स्पीच मैं आपको रूल बोलूंगा आप लिख लेना इसको क्या होता है रूल नंबर फर्स्ट होगा बी चेंज द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे कैसे बदलेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा देखिए तो पहला इधर तो फर्स्ट आएंगे इधर थर्ड मान लीजिए जैसे कि कोई राम लिखा मैंने राम साइड आई साइड Do it today. I भी फर्स्ट पर्सन होते हैं आप जानते हो आज मैं ऐसे याद करूंगा तो आई राम के नंबर जेंडर नंबर सिंगुलर जेंडर मैस्कुलिन तो ये ही प्रोनाउन होता है तो आई में बदल जाएगा क्या हो जाएगा राम सैड यहाँ दैट लगाओगे ही और बिल का बोल हो जाएगा शुड नहीं होगा Do it today change into that day. और मैं दूसरा लिखता हूँ सीता सैड To me, I can do it. मैं इसे कर सकते हैं I सीता का अंसा बदलेगा नंबर जेंडर सिंगुलर नंबर मैं फीमेल जेंडर तो ये सीता का साथ सी में बन जाएगा ये हो जाएगा सीता told me that she could do it. या अगर मैं यहाँ ही लिखूँ जैसा कि he said, कमा कमा I तो ही मैं कर दो क्या हो जाएगा ही साइड का साइड रहेगा दैट ही वाज गोइंग अगर यहाँ सी लिखा हो तो आई सी में हो जाएगा अब देखिए कोई सेंटेंस लिखता हूँ बॉय साइड लड़के ने कहा आई विल कम हियर मैं यहाँ आऊँगा निश्चितता तो आई बॉय कैसा बोलेगा ही में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बॉय साइड का साइड है यहाँ दैट और आई ही और बिल्कुल वुड कम का वो हेयर चेंज इन टू देयर यहाँ अगर गर्ल्स हो तो आप सी में कर दोगे हैं अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हो बॉयज साइड टू हिम लड़कों ने उससे कहा यहाँ तो बी लगाइए बी कैन बीट हिम हम उसे पीट सकते हैं तो बी बॉय कौन सा बोलेगा नंबर प्लूरल हो गया जेंडर मैस्कुलाइन हो गया तो ये दे में जाएगा बॉय ये टोल्ड हो जाएगा टोल्ड हिम दैट दे कैन का कुड बीट हिम और देखिए अगर गर्ल्स लिखा हो तो आपका किसमें हो जाए तब भी ये दे में होगा अब इधर सेकेंड आ जाए इधर फर्स्ट जैसा कि सेकेंड पर्सन आपका यू होता है यू सैड आई हैव टू डू इट मुझसे यह करना आई यू का ज़्यादा बोलेगा प्रोनाउन तो ई में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यू सैड का सैड रहेगा ये दैट यू हैव का हैव टू डू इट है अगर फर्स्ट फर्स्ट आ जाए एक से फर्स्ट फर्स्ट जैसे आई सैड कोई सेंटर लिखते हो आप कमेंट आई यहाँ कुछ भी सेंटेंस लिख दो जैसे कि आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ तो आई आएगा तो आप क्या चेंज करो कुछ नहीं होगा ये भी वही ये भी तो सेम रहेगा ये खाली ये हो जाएंगे आई सेड एंड आफ्टर रिमूव कमेंट कॉम अभी भी राइट हियर कनेक्टेड दैट आई सेम कैन चेंज टू पुट और भी अगर यहाँ बी होता आई होता तो इसको भी कर देते ऐसा भी हो सकता अगर यहाँ आई हो यहाँ बी हो है रिपोर्टेड में बी और रिपोर्टिंग में आई तो इसका नंबर सिंगुलर ए प्लूरल तो ये भी आई हो जाएगा डियर स्टूडेंट आई या होमवर्क
होमवर्क रूप में रूल नंबर फर्स्ट के चेंजिंग इन प्रोनाउंस में आप 13 सेंटेंस अलग लिखोगे एंड कन्वर्ट देम बोथ इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स।